मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। हम सभी के जीवन में संबंधों की विशेष भूमिका होती है, और अगर हम सबसे मूल्यवान संबंधों की बात करें तो उनमें से एक संबंध है पति पत्नी का। अधिकतर पति पत्नी यही चाहते हैं कि उनके आपसी संबंध बेहतर रहें। फिर भी कई बार पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर कहा सुनी हो जाती है, जो कि कई बार मतभेद में बदल जाती है, जिसके वजह से पारिवारिक वातावरण खराब होने लगता है। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर होने वाले झगड़ों के विषय कई बार इतने छोटे होते हैं कि शायद उनके विषय में वह किसी से चर्चा करना भी नहीं पसंद करें, और कई बार तो परिस्थितियां निकल जाने के बाद पति पत्नी उन घटनाओं के बारे में खुद ही हंस लेते हैं जिसके कारण उनके बीच कभी लड़ाइयां हुई थी। तो आखिर क्या कारण है, आखिर ऐसे क्या वजह है जिसके कारण दो समझदार लोग, जो कि यह जानते हैं कि उन्हें आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, उन्हें आपस में वाद विवाद नहीं करना चाहिए, फिर भी उनके बीच ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। तो आज मैं इसी के मनोवैज्ञानिक पहलू पे आपका ध्यान ले जाने की कोशिश करूंगा। आप जब किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो आप उसकी सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर मैंने इसकी बातों को ध्यान से नहीं सुना, नहीं समझा, तो हो सकता है मैं कोई ऐसी प्रतिक्रिया दे दूं जो कि परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं हो। परंतु जब हम जीवन साथी की बात करते हैं तो उसके साथ एक लंबा समय रहने के वजह से हम यह मान चुके होते हैं कि हम उसके व्यवहार करने के तरीके, हम उसके बात करने के तरीके और वह किस परिस्थिति में क्या कहने वाला है, ये सारी बातें हमें पता है। और यही एक कारण होता है जिसके वजह से हम सामने वाले की बातों को सुनना बंद कर देते हैं। हमारा मन भी बड़ा अजीब है, वह सकारात्मक बातों को बहुत जल्दी छोड़ देता है एवं नकारात्मक बातों को ध्यान रखता है। पति पत्नी के संबंधों में कई सारी ऐसे छोटी बड़ी घटनाएं हुई होती हैं जो कि कई बार एक दूसरे के पसंद की नहीं होती हैं, और यही घटनाएं मन में अपनी जगह बना लेती हैं। और जब भी पति पत्नी किसी विषय को लेकर आपस में बात कर रहे होते हैं तो भूतकाल के अनुभव कई बार वर्तमान में हावी हो जाते हैं, और यही कारण है कि छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर ही कहा सुनी होती रहती है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक पत्नी ने अपने पति के लिए गरम गरम खाना बनाया, और वह यह चाहती है कि जब उसके पति ऑफिस से लौटे तो वह उन्हें गरम खाना खिलाए। यह एक पत्नी की अच्छी सोच को दर्शाता है। पति घर लौटते हैं, वह बैठते हैं और वह बहुत थक चुके हैं। वह थकी हालत में ये कहते हैं कि आज तो मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं खाना। बस इतने ही शब्द हुए थे कि पत्नी ने कहना चालू कर दिया, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, मैं जब जब तुम्हारे लिए गरम खाना बनाती हूँ तुम टाइम पे कभी भी नहीं खाते हो, तुम तो मेरी इच्छाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो। अब पति ने जैसे ही यह बात सुनी कि तुम मेरी इच्छाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो, उसने भी अपना नियंत्रण खो दिया और वह भी उसके साथ बहस करने लगा कि मैं तुम्हारा ख्याल कब नहीं रखता हूँ, मैंने पिछले टाइम तुम्हें घुमाने ले गया था, मैं तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करता हूँ, तुम जो कहती हो मैं वैसा करता हूँ, फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारा ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ। अब आप स्वयं बताइए कि बात चल रही थी खाने के ऊपर, लेकिन अब बात पास्ट की घटनाओं के ऊपर होने लगी है।
अब चर्चा का विषय पूरी तरह से बदल चुका है। परंतु वास्तविकता में अगर देखा जाए तो क्या इसमें गलती पत्नी की है जो कि अपने पति के लिए गरम गरम खाना बना के रखी हुई है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या इसमें गलती पति की है जो कि थक कर ऑफिस से आया हुआ है और वह यह चाहता है कि उसकी बातों को ठीक ढंग से समझा जाए? इस पूरी परिस्थिति को अगर पति पत्नी किसी तीसरे पर्सन के सामने रखें, किसी दूसरे व्यक्ति से बतलाएं, तो वह यही कहेगा कि ये तो बड़ी ही छोटी बात है, इस छोटी बात में लड़ने की थोड़ी जरूरत है। अगर आपके पति कह रहे थे कि उन्हें खाना नहीं खाना या फिर वो लेट खाना चाहते हैं तो खाना रख देते। और अगर यही बात पति को कही जाए तो कहा जा सकता है कि यार वो तुम्हारा ख्याल रखती है, तुम्हें शायद उससे छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इस पूरी घटना को आप ठीक ढंग से समझ पा रहे हैं और मेरी बात को आप ठीक ढंग से समझ पा रहे हैं, तो आप पाएंगे कि वर्तमान में भूतकाल के अनुभव व्यक्ति के ऊपर हावी हो गए और यही एक कारण रहा जिसके वजह से वर्तमान परिस्थिति जो कि बड़ी सरलता के साथ हैंडल किया जा सकता था, वह परिस्थिति भी बिगड़ने लगती है। यह किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बनती है, यह पति पत्नी दोनों की ही जिम्मेदारी है कि वे आपस में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करें तथा यह हमेशा ख्याल रखें कि वर्तमान में भूतकाल के अनुभव को हावी नहीं होने दें, ताकि आप अपने वैवाहिक जीवन को ठीक ढंग से आनंद पूर्वक तरीके से व्यतीत कर पाएं। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि वर्तमान आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि भूतकाल के अनुभव। तो निश्चित ही आप अगर यह कोशिश करते हैं कि आज से अभी से आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को वर्तमान में रखने की कोशिश करेंगे, आप अपने साथी की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अगर आप चाहते हैं कि किसी प्रकार के व्यवहार में वे परिवर्तन करें तो उन्हें बहुत ही शांति के साथ खुशी खुशी बतलाएंगे। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।